पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पर तो उनमें से कितने लोग यहाँ पर हैं दोबारा है इसमें जो दोबारा पिछली बार भी आया हो? नहीं, सारे नए हैं। अरे तो उनकी कोई प्रॉब्लम हल हो गई होगी सर? आपके मिलना तो चाहिए। देखो हम तो काम करते ही हैं, लेकिन जैसे हमारे अनिल यादव जी हैं, अगर ऐसे लोग ना हो तो हम भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके का सहयोग अगर आपको नहीं मिले, जैसे अब आपको मेरे से सहयोग मिलेगा तो गाड़ी आगे चल सकती है, ऐसे मुझे भी सहयोग अनिल जी जैसे आप लोगों के साथ जो सहयोग मिलता है वही हम इससे भी लड़ाई कर पाते हैं। असली बात तो यह है कि आप ही हमारी ताकत हो, हम लड़ते हुए तो दिखते हैं है? लेकिन इसके पीछे ताकत जो है ना वो आप लोगों की सबसे बड़ी ताकत है, है? जब हमको लगता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी जनता है तो हमारी आवाज में भी ना एक अलग से जो है वो नजर आने लगती है। देखो स्कूल का मामला तो आप लोग तो जूझ ही रहे हैं, है? मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों के अंदर दिक्कत होती है। जो सबसे बड़ी समस्या इस टाइम आ रही है वो ये आ रही है कि दिल्ली सरकार ने कई सारे सर्कुलर निकालकर, कई सारे आदेश निकालकर उसमें इस तरीके के नियम डाल दिए हैं, इस तरीके की कंडीशंस डाल दिए हैं कि बहुत सारे बच्चों को वो सर्कुलर दिखा के स्कूल से बाहर रख सकते हैं, जो गैर कानूनी है। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे उनका सर्कुलर कहता है कि जो भी बच्चा दो बार नाइन्थ क्लास में फेल हुआ है या इलेवेंथ क्लास में फेल हुआ है उसको वो री एडमिशन नहीं देंगे। वो कहां जाएगा बच्चा अगर री एडमिशन उसको चाहिए? उसके लिए उन्होंने बहुत घटिया किस्म के ओपन स्कूलिंग, आप लोग कुछ जानते होंगे, वो वहां चले जाओ। जो बच्चा कमजोर है उसको और कमजोर ढांचे में डालोगे तो वो कहां से वो कुछ कर पाएगा? तो लिखित तौर पर इस तरीके से एडमिशन मना करें। दूसरा, अगर आपकी उम्र जैसे नाइन्थ क्लास है मेरे ख्याल से 15 साल से अगर एक दिन भी ज्यादा है 31 मार्च को तो वो सर्कुलर दिखा के आपको मना कर देते हैं। अभी इन्होंने एक चीज शुरू करी है दिल्ली के अंदर, हर एक सर्कुलर में ये लिख दिया है दाखिले का कि दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। पहले नहीं थे किसी सर्कुलर के अंदर। पीछे एक केस के अंदर हाईकोर्ट ने गाजियाबाद का परिवार था उसके बच्चों को ऑर्डर कर दिया दिल्ली के अंदर एडमिशन करने के लिए, कहा कि कोई इस तरीके का नियम नहीं है कि सिर्फ दिल्ली का प्रूफ होना चाहिए। उस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने ये सर्कुलर में डाल दिया। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं कई सालों से, उनका परिवार भी रह रहा है लेकिन उनके पास कोई भी रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कुछ, और आप अगर पता लगता तो मुझे बताना, मेरे ख्याल से बहुत सारे मजदूर भाई हमारे दूसरे शहरों से रोजाना आते हैं, उनके आदमी और औरत, और क्योंकि वो रोज आते हैं और रोज जाते हैं तो क्या करते हैं अपने बच्चों को भी रोज ले आते हैं और यहाँ सरकारी स्कूल में दाखिला करा देते हैं। तो सुबह छोड़ दिया स्कूल में, जब गए तो लेके गए वापस, तो अब वो सब रुक जाएंगे है? तो इस तरीके के काफी जो है केसेस मेरे ख्याल से है जहां पर दिल्ली का उसके पास कोई प्रूफ नहीं। कल भी मेरे पास कोई एक पति पत्नी आए थे, माता पिता और उनके 4 बच्चे हैं, उनके पास सारे बिहार के कागज हैं जबकि वो पिछले जो है ना 8-10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, तो उनको तो इसका मतलब कोई स्कूल दाखिले ही नहीं देगा। तो एक तरीके से ये जो इस टाइम मैं किसी राजनीतिक एंगल से किसी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो ये इस टाइम सरकार है वो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जितने से जितने कम बच्चों को हम स्कूल में दाखिला दे सकते हैं मजबूरी में, और जितने से ज्यादा बच्चों को हम निकाल सकते हैं उनको हम निकाल दें। जैसे अभी 9वीं क्लास के